मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई जनपदों के दौरे पर रहने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। वही सीएम योगी आज बिहार और यूपी के 3 जिलों का दौरा करेंगे। तो बिहार के साथ ही यूपी के 3 अलग अलग जनपदों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर तकरीबन 4 बजे बिहार के बेगूसराय पहुंचेंगे सीएम योगी। तो बिहार के बेगूसराय पहुंचेंगे सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बेगूसराय पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही उनके कार्यक्रम भी तय हो चुके हैं। वहीं कानपुर, उन्नाव और वाराणसी के दौरे पर भी रहेंगे सीएम योगी। सुबह तकरीबन 11:35 पर कानपुर देहात पहुंचेंगे सीएम योगी। तो तकरीबन 11:35 का वो समय होगा जब कानपुर देहात में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे सीएम योगी। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और सुबह तकरीबन 11:50 पर सेंट्रल पार्क कानपुर नगर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज लगातार जनता को साधने की कवायद में सीएम योगी आदित्यनाथ बाबूपुरवा छावनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बिहार के बेगूसराय में भी शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहने वाली है। इसके साथ ही लखनऊ से सटे उन्नाव में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। दोपहर 1 बजे उन्नाव में जनसभा करेंगे सीएम। वही शाम 6:30 का वो वक्त होगा जब काशी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी शाम 6:30 पहुंचेंगे सीएम योगी। अमित शाह के साथ बैठक में शामिल होंगे सीएम। तो आज श्रावस्ती दौरे पर रहेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। श्रावस्ती के दौरे पर रहने वाली हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। उनका कार्यक्रम भी तय हो चुका है। जनसभा को संबोधित करेंगी। श्रावस्ती में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील करते हुए मायावती आज नजर आने वाली है। पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगी जनसभा। तो पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी प्रचार करती हुई मायावती नजर आने वाली है। तो पूर्वांचल के रण में आज मायावती जनसभा करने वाली है। तो प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव की जनसभा है। तो कन्नौज में आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है। इस दौरान अखिलेश यादव ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। सुबह तकरीबन 11:15 छिबरामऊ कस्बे में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। तो दिन की शुरुआत उनकी जनसभा के साथ होनी है। छिबरामऊ में पहली अखिलेश यादव की जनसभा है। उसके ठीक बाद 12:00 बिधूना पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो बिधूना पहुंचेंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें कि आज कन्नौज में चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है और आज अखिलेश यादव धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। अखिलेश यादव की छिबरामऊ में पहली जनसभा होगी, जिसके बाद बिधूना भी जाएंगे अखिलेश यादव। वहीं आज शाम 5:00 चुनावी शोर थम जाएगा। 13 मई को मतदान होना है, जिसके लिए अखिलेश यादव आज प्रचार के आखिरी दिन जमकर जनसभाएं करने वाले हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज का कार्यक्रम। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। आपको बताते चले कि ब्रजेश पाठक आज रायबरेली और जौनपुर के दौरे पर रहेंगे। तो रायबरेली और जौनपुर की जनता को साधने की कोशिश करते हुए आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही आज सुबह तकरीबन 11:00 रायबरेली पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। रायबरेली में सभा को संबोधित करेंगे ब्रजेश पाठक। तो रायबरेली में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे ब्रजेश पाठक, जिसके लिए वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वही तकरीबन 12:40 पर जौनपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं डिप्टी सीएम। आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो आज काशी के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी रहने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह आज संगठन की बैठक करेंगे। तो संगठन की बड़ी बैठक में आज मौजूद रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शाम 6:30 होटल ताज वाराणसी में ये बैठक होनी है। इस बैठक में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं।